हेलो गाइस एवरीवन, अभी हम जो उम्मल क्वीन बीच के पर सैर के लिए गए हुए हैं अपनी कंपनी के फ्रेंड्स मिलके, तो ये आपको बीच का मंजर दिखा रहे हैं। उसमें आपको पता चल रहा होगा मेरे मूवमेंट से कि यहाँ पे कितनी तेज़ हवा चल रही है, इसलिए जो दूसरा हम एक्शन वगैरह है वो वहाँ पे करने का चांस नहीं मिल रहा। तो अभी मैं बीच के अंदर ही घूम रहा हूँ, तो मेरे दोस्त बाहर से वीडियो बना रहे हैं। अभी आपको जो आवाज़ इतनी तेज़ चल रही है बीच में वीडियो में, उसकी आवाज़ भी आपको आ रही होगी, तो आपको पता चल जाएगा वहाँ पर कितनी तेज़ हवा चल रही है। तो अभी वहाँ पे इतने ज़्यादा लोग तो नहीं है क्योंकि थोड़ा उम्र कोई ज़रा बाहर साइड में है। तो अभी मैं जो साइड पे पत्थर वगैरह पड़े हुए हैं, टीले रखे हुए हैं, तो अभी मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ। तो वहाँ पे और भी लोग खड़े हुए हैं, तो वो वहाँ मैं टीले के ऊपर चढ़ के तो फिर आपको दिखाऊंगा कि दोनों साइड में क्या है। अभी ये देखें, अभी मैं जो पत्थर रखे हुए हैं उन्होंने बीच में साइड में, तो उसके ऊपर मैं चढ़ रहा हूँ। उसके ऊपर क्योंकि मैंने ये शूज़ नहीं पहने हुए पानी के अंदर जाने की वजह से, इसलिए थोड़ा मोहतात होकर ऊपर जा रहा हूँ। ये देखिए वहाँ भी लोग वहाँ पे खड़े हैं। देखिए इसके ऊपर इसकी जो नोकें वगैरह निकली हुई हैं पत्थरों की, इसलिए इसके ऊपर बग़ैर जूते के बग़ैर शूज़ के चलना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो आपको अभी पता चल रहा होगा कि मैं बिल्कुल आराम आराम से चल रहा हूँ। अभी आप देखें साइडों में आपको साइड के मनाज़र भी दिखा रहे हैं। तो अभी ये देखिए, अभी हाँ ये देखिए, अभी मैं कितना मोहतात के ऊपर जा रहा हूँ। हाँ जी, ये सब कुछ आपको बताने का मकसद ये है कि अगर आपका कभी भी जाने का वहाँ चांस मिले तो आप ये चीज़ों का इंतज़ाम करके फिर जाएँ। अभी ये देखें मेरे मूवमेंट्स को बहुत केयरफुली तरीके से मैं भी नीचे उतरने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो अभी मैं नीचे आ रहा हूँ बहुत आराम आराम से, क्योंकि पाँव में भी इंजरी होने का ख़तरा है, इसके लिए अभी मैं नीचे उतर आया हूँ। अभी देखें ये पानी क्यों कम हो गया, अभी इसमें अभी मैं दोबारा जाके फिर मैं पानी में ही चला गया हूँ बीच के अंदर। अभी थोड़ा पानी इसके साथ इंजॉय कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ बाहर इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं है कुछ करने के लिए, तो या तो आप वहाँ पर जाके खुद ही कुछ अपनी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं कुछ दोस्त वगैरह लोग मिल के, या फिर आपको उधर पानी में ही जाके कुछ ऐसा जो है एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी, आपको इंजॉयमेंट करना पड़ेगा, या फिर बाहर वगैरह आप जो है कुछ खाने वगैरह का बारबेक्यू वगैरह का सिस्टम कर सकते हैं। वो भी बारबेक्यू का भी हमने सिस्टम किया, वो भी अभी आपको दिखाते हैं। देखिए अभी भी स्टिल में पानी के अंदर ही हूँ, तो उसके अंदर अकेले इंजॉय कर रहा हूँ। दूसरे दोस्त लोग नहीं अंदर आ रहे क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा होने की वजह से। आपको ये पानी की जो लहरों से अंदाज़ा हो जाएगा कि वहाँ पे जो है हवा वगैरह का क्या दबाव है वहाँ पे। तो अभी मैं बीकन से बाहर आ गया, अभी ये देखिए मैंने वहाँ पे बारबेक्यू का सेटअप किया हुआ है। ये हमारे दोस्त हैं जो साथ मिलकर गए हुए हैं, लहजत है, ये काशिफ भाई है, ये मंजर भाई है, यहाँ पे देखिए हमने वीडियोस कैप्चर कर लेना ताकि वहाँ पे मेमोरी और महफूज रहे। लेकिन ज़ाहिर है आप इतनी दूर जाएंगे इंतजाम भी आपको करना पड़ेगा। ये उसके बारे में देखिए, उन्होंने वो जो है रेत वगैरह इकट्ठी करके बहुत ऊंचा पहाड़ बनाया हुआ है, इसमें भी आप जा सकते हैं। अभी ये लोग जो आए उनकी गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हैं, तो ये पूरा वहाँ पे सेटअप इंतज़ाम है। सो ये अभी भी हमारे दोस्त हैं, वो बारबेक्यू कर रहे हैं, साथ साथ खा रहे हैं। ये देखिए ये मंजर भाई हैं, ये भी अभी ये मैं हूँ। सूरज भी चला गया है।
मैसेज ये था उमल क्विन का बीच जिसके हम आपके बारे में बता रहे थे और सार कर रहे थे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटी के निशान के ऊपर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। थैंक यू। नहीं नहीं मैं फ्रंट से गीता नहीं वीडियो रहा।